Assalamu alaikum. I am Naeem from 6 Delta. Today my topic is environment and interaction. Environment. All things which affect our life is called environment. For example, light, temperature, water, air, animal, plant, etc. There are two components of environment. Biotic factor and abiotic factor. Biotic factor. All living things which affect our life is called biotic factor. For example, animal, plant, microorganism, etc. Abiotic factor. All non-living things which affect our life is called abiotic factor. For example, water, air, light, temperature, etc. There are three types of biotic factor: producer, consumer, and decomposer. Producer वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जैसे कि plant. Consumer. Consumer वो होते हैं जो कि दूसरों की बनाई हुई खुराक खाते हैं, जैसे कि इंसान. इंसान प्लांट्स की बनाई हुई खुराक खाते हैं. डिकम्पोजर. डिकम्पोजर वो होते हैं जो कि एनिमल और प्लांट की मुर्दा डेड बॉडीज़ को दोबारा करामत बनाते हैं. कंज्यूमर की तीन टाइप्स हैं: हर्बीवर, कार्निवर एंड ओमनिवर. हर्बीवर वो होते हैं जो कि सिर्फ घास खाते हैं, जैसे कि गोट. कार्निवर वो होते हैं जो कि गोश्त खाते हैं, जैसे कि लाइन. ओमनिवर. ओमनिवर वो होते हैं जो कि घास और मीट दोनों खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन. डिपेंडेंस अपॉन वन एंड अदर. एनिमल प्लांट पर डिपेंड करते हैं शेल्टर के लिए, प्रोटेक्शन के लिए एंड ऑक्सीजन के लिए. और प्लांट एनिमल पर डिपेंड करते हैं सीड सेपरेशन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. रिलेशन अमंग ऑर्गेनिजम्स. देयर आर थ्री रिलेशंस: प्रीडेशन, पैरासाइटिज्म एंड म्यूचुअलिज्म. प्रीडेशन. प्रीडेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खा जाता है, जैसे कि लाइन. लाइन किल द डियर. पैरासाइटिज्म. पैरासाइटिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को नुकसान पहुंचाता है लेकिन उसे हमेशा के लिए ख़त्म नहीं करता, जैसे कि मॉस्किटो. मॉस्किटो इंसान का खून चूसता है लेकिन उसे ख़त्म नहीं करता. म्यूचुअलिज्म. म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है, जैसे कि हम प्लांट को ऑक्सीजन देते हैं और वो प्लांट हमें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं. थैंक्स.